आदि पुरुष रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने कंट्री को, अपने हिंदुइज्म को, सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बॉम्बे छोड़ना पड़ा हमें बिकॉज हमसे घर छीना गया था। आपका सीन था जिसमें आप सलमान को ही झापड़ मार रहे हो। जी, मुझे याद है उसने बोला था कि थोड़ा सा भी लगा ना तुम देख लेना मैं क्या कर लूंगा। मैं डर गई थी, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे जब मुझे थप्पड़ मारना था। डिस्टर्ब्ड तो थे थोड़ी बहुत बिकॉज ऑफ द रिलेशन ही वेंट थ्रू। जितना रिस्पेक्ट आई थिंक मुझे रणबीर कपूर ने दिया शायद ही किसी ने इस इंडस्ट्री में मुझे। संदीप रेड्डी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है, फिल्म का नाम है एनिमल। तो मैंने कहा अच्छा कोई जानवर को लेकर फिल्म बना रहे। वक्त में सेलेक्ट करना हो कि एनिमल जैसी एक फिल्म आ रही है या स्त्री जैसी है लापता लेडी, तो आप किसको चुनोगे? लापता लेडी। अगर मुझे लगता है अब इस एज में रहता तो सलमान वुड बी द चॉइस फॉर एनिमल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कलाकार आजकल जब भी एक्टिंग करते हैं टीवी में, ओटीटी पे या फिल्मों में, वो सिर्फ कलाकारी नहीं कर रहे होते बल्कि वो आपसे आपकी बातें कर रहे होते, तभी तो आप उनको पसंद करने लग जाते हैं। ऐसी उनमें क्या खास बात होती है कि वो आपके दिल को छू जाती है, आपको अपने से लगने लगते हैं और आपकी बहुत सारी समस्याएं ऐसा लगता है जैसे वही सुलझा रहे हैं? ये सब बताने के लिए एक कलाकारी सामने आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे साथ हैं इंदिरा कृष्णन, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। अभी एक चर्चा में है शो दुर्गा। जी, ये दुर्गा ऐसा वर्ड है जो हर महिला के साथ एक बड़ा वो जुड़ा रहता है। ये दुर्गा क्या खास है? ये बहुत ही खास है। एक तो राजस्थानी बेस्ड है, मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आई थिंक जितने भी मेरे फैंस और ऑडियंस मुझे पहचानते हैं वो जानते हैं कि मैं हर एक शो में एक लय पकड़कर, लैंग्वेज पकड़कर या फिर भारतीय संस्कृति को पकड़कर मैं वो शो ज़्यादातर करती हूँ। जैसे मैंने कृष्णा बहन खाकरावाला में भी गुजरात बेस्ड किया था, मैंने कृष्णदासी में महाराष्ट्र बेस्ड किया था और अब मैं राजस्थानी बेस्ड कर रही हूँ। तो इस सब में किस तरह की वो औरत रहती है और एक स्ट्रांग औरत, मुझे हमेशा लगता है कि हर स्टेट में एक स्ट्रेंथ है औरत की, तो वही मैं यू नो अक्रॉस द ऑडियंस डालना चाहती हूँ। पहले टीवी हो या कोई भी कहानी हो, उसमें जो फीमेल करेक्टर होता था उसको हमेशा दबा हुआ, बेचारा, यही सब दिखाया जाता था। लेकिन अब इस तरह के करेक्टर निकल के आने लगे, तो ये किस तरह का चेंज आया एकदम से? आई थिंक मैन वुमेन इक्वालिटी जब से हम लोग बात करते हैं और जब से ये गवर्नमेंट में भी चेंजेस आए बहुत सारे, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बढ़ावा दिया है ऑडियंसेस को, हमारे वुमेन ऑडियंस को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा वीरेंद्र जी शुरू हो गई है अभी, तो सब लोग घर में बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस आ गया है औरतों में और उसी कॉन्फिडेंस से औरत और भी उसको एक्सपैंड कर रही है, ना ही स्मॉल स्केल करती है बल्कि यू नो इंटरनेशनली भी जाकर अपना सामान बेचती है, कभी कोलैब्स करते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज गॉट यू टू दिस लेवल कि हम लोग यू नो औरत को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मर्द अभी कहीं थोड़े डिस्टिंक्ट होने लग गए हैं। सभी कलाकारों का मन होता है कि उनका जब कोई शो आए ना तो एकदम बम्पर ओपनिंग मिले, फिल्म हो, सीरियल हो, जो भी हो। अब दुर्गा का तो जो रिस्पांस मिल रहा है वो कमाल का है। हर बार इस तरह का नया जब मिलता है कुछ तो क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। एक तो मैंने हमेशा एक सोशल बेस्ड कहानी हमेशा मैंने उठाया, चाहे वो कृष्णा बहन हो, कृष्णदासी हो या अब दुर्गा हो। तो मुझे हमेशा लगता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन इज एक्चुअली वो किस तरह से अपना ज़िंदगी बिताते हैं, किस तरह की सैक्रिफाइस करती है, किस तरह के इमोशंस उसमें जागते हैं, यही दिखाना चाहती हूँ मैं ऑडियंस में। और इस बार मैं एक हटकर रोल में आई हूँ जिसका नाम है पानी बाई, इस कैरेक्टर का। बहुत सालों से ये एक ट्राइबल औरत है, बहुत सालों से इस महल में जहाँ रहती है पानी लेकर आती थी एक ज़माने में, तो इसीलिए कब्जा कर लेती है उस महल को। थोड़ा सा नेगेटिव शेड है, लेकिन किस लिए नेगेटिव है वो भी एक यू नो हर एक औरत में आई फील देयर इज अ डार्क साइड और एक ब्राइट साइड भी, तो इसमें पानी बाई का थोड़ा डार्क साइड दिखा है। और आई थिंक कल वी हैड द लॉन्च ऑफ द एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड में इतना धमाका हुआ, हमें ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रोमो में 5 मिलियन व्यूअरशिप्स मिले हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द फैंस, द ऑडियंस और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को मैं बहुत थैंकफुल, मतलब थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतना बढ़ावा दिया दुर्गा को। किसी के लिए ना एक भाषा ही समझना बड़ा मुश्किल होता है, आप हर शो में एक नई भाषा लेके आ जाते हो।
ये पहले से ही रहा है. जैसे मैं छोटी सी बच्ची भी थी, एक्चुअली मैं टैमिलियन हूँ, तो मैं साउथ की बिलोंग करती हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. जैसे आप मुंबई में आ जाते हो तो आपका लोकल लैंग्वेज मराठी हो जाती है, तो मराठी तो स्कूलिंग यहीं पर हुई थी, तो मराठी मैंने सीख लिया. अब फिर करते करते तमिल भी सीख लिया, मराठी भी सीख लिया, फिल्म्स करते करते मैंने ओडिया भी सीख लिया. तो मेरी सबसे पहली फिल्म ओडिया थी, फॉर विच आई वन द स्टेट नेशनल अवार्ड, एंड वो एक चैलेंज रहा. तो द एंटायर जो आप बोल रहे हो ना कि लैंग्वेज में, मुझे लगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है ना वीरेंद्र जी, वो ज़्यादातर हिंदी पे फोकस करते हैं, या फिर जो इजी लैंग्वेजेस आपके हैं या आपने मदर टंग में है. मैं अपने आप को वो चैलेंज देना चाहती थी कि मैं एज एन आर्टिस्ट किस तरह से मैं एक स्टेट वाइज एक औरत को परफॉर्म कर सकती हूँ. तो मैंने गुजरात बेस्ड भी किया, तो लोगों को लगा कि मैं गुजराती हूँ. बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप क्या गुजराती काठियावाड़ के हो, तो मैं बोलती थी नहीं, मैं साउथ इंडियन टैमिलियन हूँ. अब जब राजस्थानी कर रही हूँ तब सब लोगों को लग रहा है कि मैं मारवाड़ी हूँ. सो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट है कि मैंने एक हर एक भाषा में, और मुझे कल्चरली भी एक्सप्लोर करना था कि कैसा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए, यू नो. सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. पर सोचना बड़ा आसान होता है, जब वो स्क्रीन पर आता तब भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होती है वो... बाप रे, वो पूछो मत. वो मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में आजकल जो नए जनरेशन आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो वेल वर्स्ड नहीं है या अच्छे एक्टर्स नहीं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन जो उस टाइम के एक्टर्स थे, जैसे स्मिता पाटिल जी या शबाना आजमी जी या नीना गुप्ता जी, जो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, या सुप्रिया पाठक जी, और शबाना जी की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो बहुत काफ़ी इंस्पिरेशन भी मुझे उनसे मिली. इनफैक्ट इस कैरेक्टर के लिए भी मैंने शायद 2-3 बार गॉड मदर एक फिल्म देखी थी, आपने, आपको पता होता, तो उसमें जिस तरह का वो ताड़ और वो जो पावर एंड स्ट्रेंथ दिखा पोर्ट्रे किया है, उसी तरह रामलीला में सुप्रिया जी का कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल है. तो मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में फिट होती हूँ. तो जब आपको वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ आप उस कैटेगरी में फिट हो रहे हो उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, तो आपका 90% काम हो ही जाता है. बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए, बाकी 10% इज योर एफर्ट्स और स्क्रीन एक्टिंग, वो अपने आप ही आ जाता है. पर ये पहले बोला जाता था कि टीवी का एक्टर जो है वो फिल्मों में नहीं चल सकता, लेकिन मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पर मैं फिल्म करती थी और बोलते थे अरे वो टीवी की है, यू नो. बट ये बैरियर्स को ब्रेक करना भी बहुत जरूरी हो गया है. लेकिन अभी तो लग रहा है जैसे टीवी इंडस्ट्री ने बिल्कुल डोमिनेट किया हुआ है, चाहे डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, राइटर्स हों, एक्टर्स हों, सब वही कमाल करके दे. अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपकी जर्नी में, कि जर्नी की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, क्योंकि काफी साल पहले से आप काम करते आ रहे हैं, तो ये अचानक एक्टिंग आ गई या एक्टिंग आपको लिए था ही कि यही मेन मेरा करियर है? बिल्कुल नहीं, मैं सर्जन बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी. बट जैसे कि आप जानती हो कि हर एक एक्टर में एक डार्क हिस्ट्री भी है. सो हमारे फैमिली में भी कुछ ऐसे ही हुआ. माई फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब, एंड मेरी माँ जो थी बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, यू नो, हम लोगों को पढ़ाना, बड़ा करना. एंड हम लोग 3 बहनें हैं, मेरे बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. एंड मुझे लगा कि एक टाइम पर बॉम्बे छोड़ना पड़ा हमें बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी इश्यूज एंड लॉस ऑफ मनी, लॉस सब एक साथ आ गया था ओवरनाइट. हम लोगों को, यू नो, हमें, हमसे घर छीना गया था. एंड मेरी माँ को वो बहुत बड़ा धक्का लगा. और तब मैंने रियलाइज, मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं 10-11 साल की थी, लेकिन बॉम्बे में ही थी, मैं पली बड़ी बॉम्बे की हूँ. तो जाने से पहले मैं अपनी माँ को रोते हुए बहुत देखा मैंने. आई थिंक वो चेहरा आज भी अगर मैं आता है मेरे सामने, तो मैं अपनी माँ को, मैं मतलब बोलती थी कि मैं इसी बॉम्बे, मैं बॉम्बे से नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी. तो घसीट के मेरी माँ ओवरनाइट, आई डोंट नो, मैं तब बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी माँ से प्रॉपर्टी छीन लिया गया. एंड यू नो शी लॉस्ट अ वेरी बिग प्रॉपर्टी एंड वी हैड टू ओवरनाइट गो टू दिल्ली. अब दिल्ली सोचे, आप बॉम्बे से आप दिल्ली जा रहे हो, तो इट इज़ लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और इस दौरान वीरेंद्र जी मेरी एजुकेशन रह गई पीछे, क्योंकि मैं मिड टर्म में चली गई, तो मेरे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स निकल गए हाथ से.
बिकॉज जहाँ पर मैं दिल्ली गई थी तो मुझे एडमिशन नहीं मिला बिकॉज मैं मिड टर्म में थी. दूसरी बात थी कि माई फादर वॉज ट्राइंग टू गेट अ जॉब. तो हम लोग एक छोटे से गेस्ट हाउस में थे दिल्ली में, और मैं ऊपर से देखती थी कि बच्चे यू नो स्कूल यूनिफॉर्म में जाते थे, बैग उठा के जाते थे, और मैं अपनी और डेली मैं रोती थी. मैं अपनी माँ को बोलती थी मुझे स्कूल जाना है. मुझे गेस्ट हाउस में थे? बिल्कुल. वी वर स्टेइंग इन अ गेस्ट नहीं वी वर स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस. और मेरे पिताजी को ऑलमोस्ट 8-9 महीने के बाद ही नौकरी मिली. उनको सन पब्लिकेशंस में नौकरी मिली. मिस्टर देशबंधु गुप्ता बहुत अच्छे इंसान, अब पता नहीं वो है भी या नहीं, लेकिन उन्होंने हमें घर दिया था एंड ही गेव माई फादर अ जॉब. तो प्रिंटिंग लाइन में थे और कैसे भी हम लोग वहाँ से निकले. मैंने एजुकेशन वापस मैंने स्कूलिंग की, बट मैं डॉक्टर नहीं बन पाई क्योंकि जब आप असलियत देखते हो तो यू नो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. कैसे भी मैंने एजुकेशन तो ख़त्म कर लिया और मैंने कॉलेजिंग भी दिल्ली में की. अब दिल्ली से मुझे वापस बॉम्बे आना था. जैसे कि मैंने कहा जब मैं छोटी सी थी तब मैं अपनी माँ को हमेशा बोलती थी और वो बार बार ट्रिगर होता था कि मैं मुझे बॉम्बे से निकाला गया था, मुझे बॉम्बे से निकाला गया था और मुझे बॉम्बे वापस आना था. बट कैसे आऊं क्योंकि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, यू नो कुछ जरिया नहीं था. रिलेटिव्स डिडंट हेल्प मी. कोई भी मेरे जो मैं ये बोलूंगी कि मेरे अपने कोई नहीं है, लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे अपने ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाले हैं जिन्होंने मुझे काम दिया, मेरा मतलब काम सराहा उन लोगों ने, और आज मैं अपने खुद के घर में हूँ, मेरी गाड़ी है, यू नो सो आई हैव अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल अब. बट दैट पीरियड वॉज अ हॉरेबल पीरियड. 1984 से लेके आई थिंक 1993 तक बोलते ना शनि पीरियड एक आता है इंसान के लाइफ में, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन दैट. तो 93 में एक एड आई थी ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस की, सबसे पहले डोमेस्टिक एयरलाइंस थी ये, आप जानते ही हो. सबने बोला कि ये दाऊद जी का एयरलाइन है ये वो, बहुत कंट्रोवर्सी. और आई अप्लाइड फॉर दैट एज एन एयर होस्टेस दिल्ली से. मैं इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल पढ़ के उन्होंने बोला तुम इतनी सारी भाषाएं जानती हो, तुम मराठी कैसे जानती हो? तो मैंने कहा मैं बॉम्बे से हूँ इसलिए मैं मराठी भी जानती हूँ. तो मुझे बॉस ने बोला आप बॉम्बे चलोगे? तो मैंने बोला बिल्कुल मैं चलूँगी. और उन्होंने मुझे वेट लिस्ट पर डाला था, बोला हम लोग 3 दिन में बता देंगे आप सेलेक्टेड. और वो 3 दिन में मैं सेलेक्ट हो गई. अब सुनिए, 3 दिन में सेलेक्ट तो हो गई, 15 दिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. 1993 आपको याद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्ब ब्लास्ट. तो वो सारा काम मेरा वापस एक स्थिरता मतलब स्टिल हो गया. बट रीअप्लाई किया मैंने ईस्ट वेस्ट में और उन लोगों ने बोला मैम आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आना. उसके बाद मैं आई बॉम्बे में और मेरे बॉस ने मुझे एक छोटा सा पीजी अपार्टमेंट में रहती थी, तो हम लोग 4-4 लड़कियां कोई दिल्ली से, कोई भोपाल से, कोई लखनऊ की, हम लोग 4-5 लड़कियां रहती थी, कोई बॉम्बे की थी. एक छोटा सा मतलब ये जितना सोफा था उतना ही बेड था मेरा, कमरा भी एकदम इतना छोटा सा था. एंटर करो, बैग उधर ही रखो, नहाओ और फिर बैग उठा के जाओ यू नो काम पे. वहीं से मैं निकली हूँ. तो आई थिंक ये वैल्यूज, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, महाकाल जी को बहुत मानती हूँ. मैं हर महीना ऑलमोस्ट मैं उनके दर्शन के लिए जाती हूँ इंदौर, उज्जैन जाती हूँ मैं. वो एक अलग स्पिरिचुअल कहानी है. बट आई थिंक दीज थिंग्स इंसान के लाइफ में बिल्कुल आना चाहिए. जब तक आप गिरोगे नहीं आप उठोगे नहीं. सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं उस वक्त गिरी और मैं इसी वजह से मैं वहां से आप गए एयरलाइंस में. जी, तो उस टाइम तो जॉब सिक्योरिटी आ गई, कंफर्टेबल भी हो गए, फिर एक्टिंग कैसे ही ट्रांजिशन? सो एयरलाइंस में ही बहुत सारे लोग मुझे देखते थे और तब मैं ऑफ कोर्स मैं बहुत दुबली पतली थी और काफी सुंदर भी थी. तो मुझे बोलते थे कि मैम व्हाई डोंट यू इंदिरा आप मॉडलिंग करोगे, आप कैटलॉग्स करोगी? तो मैं पूछती थी कैटलॉग्स क्या है, मॉडलिंग क्या है? डर भी लगता था बिकॉज इंडस्ट्री है, सब लोग बोलते थे ऐसे मन में कि यू नो इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होता है इस इंडस्ट्री में. मैंने कहा मैं मॉडलिंग तक कर लूँगी. तो मुझे 2-3 लोग फ्लाइट में ही मिले, उन्होंने बोला कि हम लोग एक फिल्म शुरू कर रहे हैं, आप ऑडिशन करोगे क्या? तो मुझे ऑडिशन का मतलब ही नहीं पता था. डायलॉग देते थे तो मैं रट के बोलती थी, ऐसा बोल तो लेती थी, दैट कॉन्फिडेंस वॉज देयर, बट कैसे एक एक्टर के एक्टर जो करता है काम वो नहीं बोल पाती थी. और वहीं से मतलब मेरी शुरुआत हुई. एक दिन रवि किनागी उन्होंने मुझे देखा और उसी ऑडिशन में से पता नहीं किसने भेजा हो,
उन्होंने बोला मैं एक ओडिया फिल्म कर रहा हूँ और इस लड़की को लॉन्च करना चाहता हूँ. एंड दैट्स वेयर द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ केम. और मैंने बोला मैं कर लूँगी, ओडिया फिल्म है मुझे क्या, मैं कर लूँगी. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डायलॉग्स भी तो ओडिया में बोलना पड़ेगा. तो जब मैं वहाँ गई एंड एक्शन बोलते थे तो मैं लाइन्स भूल जा, क्योंकि एक नया भाषा है एकदम. फिर डायरेक्टर तंग आ गए 3 दिन में, बोले कि यार मुझे लगता है कि इस लड़की को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो मैंने 3 दिन में मैंने बोला सर मुझे एक आखिरी मौका दीजिए. एंड मैंने रात को आई थिंक अप टू 3 o'clock, रात को 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैंने कल के 3 सीन्स का मैंने अच्छी तरह से मैंने याद कर लिया. और पता नहीं मुझे लगा, नेक्स्ट डे मेरा गैप भी था तो उन लोगों ने बोला कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाइए, नहीं हुआ तो फिर आपको मौका कब मिलेगा, आप शायद रिप्लेस भी हो रहे हो. तो जब मैं दर्शन करने गई जगन्नाथपुरी, देर इज सम मिरेकल इन दैट टेम्पल. मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने बोला मैंने डिसीशन आप पे छोड़ दिया. अगर आप चाहते हो कि मैं इस इंडस्ट्री में रहूं तो मैं ये फिल्म करूंगी, अगर मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं रहना है तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगी, शायद मैं रिप्लेस भी हो जाऊंगी. मैं वापस आई, मैंने कॉन्फिडेंटली मैंने डायरेक्टर को बोला सर मुझे एक ये आखिरी चांस दीजिए. तो विजय मोंटी करके एक बहुत बड़े एक्टर है, वो पता नहीं शायद अब है या ना नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि इंदिरा तुम फिल्म करो. मैं वो मेरे फादर का रोल निभा रहे थे, मैंने किया और फर्स्ट टेक वाज एब्सोल्युटली फाइन. पता नहीं क्या एक एनर्जी, एक मैजिकल पावर जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद. उन्होंने बोला एक वर्ड भी तेरा इधर से उधर नहीं गया, पूरा फ्लो में निकल गया. एंड वो जो कॉन्फिडेंस मिला ना मुझे विजय मोंटी और रवि किनेगी, मेरे डायरेक्टर ने जो मुझे सेकंड चांस दिया, तो वो दैट चेंज्ड माय करियर. और वो फिल्म गई एक सुपर डुपर हिट, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी लिया मैंने बीइंग अ साउथ इंडियन, फर्स्ट टाइम एक ओडिया फिल्म की. तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ पावर एंड एनर्जी. फिर मैंने वो पकड़ लिया, मैंने जो रस्सी मिल गई थी मुझे हाथ में, वहां से मैंने चढ़ना शुरू कर दिया. लेकिन फिर जो आपने इंडस्ट्री के बारे में सुना हुआ था, डार्क साइड, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये सब इस तरह की चीजें फिर आगे देखने को मिली या फिर धीरे धीरे काम मिलता रहा? डेफिनेटली यस, मना नहीं तो नहीं बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए मेरे साथ, एज इन नो मोलेस्टिंग और ऐसे कोई फिजिकल इंसिडेंसेस, लेकिन पूछते तो थे. स्पेशली साउथ में जब मैं गई थी आई फेस दिस प्रॉब्लम. मैं हमेशा सोचती थी कि मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं बहुत प्लेजेंट लुकिंग हूँ, भाषा भी बात करती हूँ. तो आप जानते हो कि जैसे ही आपको भाषा आ जाता है तो लोग बोलते हैं अरे यार वो तो लैंग्वेज भी कर लेगी, उसको बुलाओ. तो एक ऐड आया था GRT ज्वेलर्स का, तो मुझे लगा कि भाई ये लोग भी ऐसे ही निकलेंगे, तो मैं नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं कर. उन लोगों ने बार बार मुझे फ़ोन किया, बोला कि मैम आप कीजिए प्लीज़ ये ऐड, हम मतलब आप क्यों मना कर रहे हो. तो मैंने कहा एजेंसी कौन है, तो एजेंट वाले मुंबई के थे. तो मैंने मुंबई को बहुत स्ट्रिक्टली बोला था भाई मैं उधर जाऊंगी ऐड करूंगी वापस आऊंगी, मुझे और कुछ लेना देना नहीं है. और ये तो उन्होंने बोला नहीं मैम ऐड का अलग चलता है. तब मुझे पता चला कि क्या सिनेरियो कहाँ चलता है, क्या होता है वहाँ का साउथ इंडस्ट्री. मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब जगह कॉम्प्रोमाइज है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस. आप अगर कॉन्फिडेंटली एक हिट देते हो, दो हिट देते हो, तो कोई आदमी आपसे इस तरह से बात ही नहीं करता. ट्राई तो सभी करते हैं, सब मारते हैं, सब करते हैं ट्राई वहाँ पर. और हिंदी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है मेरे साथ. मैंने तेरे नाम किया, सतीश जी ने बहुत रिस्पेक्ट दिया मुझे. सलमान के साथ मैंने काम किया, सलमान ऑल्सो यू नो ही एनकरेज मी अलॉट, करो इंदिरा फिल्म करो, यू आर सच अ गुड एक्ट्रेस. तो मुझे हिंदी इंडस्ट्री में ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड आई नेवर हैड ऑल्सो एनी केस जहाँ पर हिंदी इंडस्ट्री में. हालांकि मैं सुनती हूँ आजकल लोगों से कि भाई ऐसा हुआ, एक मी टू मूवमेंट भी आया था एंड ऑल, बट आई फील ये मनी मेकिंग भी हो सकता है, क्या फ्रेमिंग भी हो सकता है, बट आई हैव नेवर हैड सच एक्सपीरियंस. नहीं रहा. आपने तेरे नाम का जिक्र किया, सलमान खान थे उस टाइम, वो टर्निंग पॉइंट था उनका, बिल्कुल इमेज एकदम से चेंज ओवर हुआ था. और वो फिल्म बहुत सारी बातों से विवादों में भी रही थी कि भाई उसमें डायरेक्शन में ये हो गया वो हो गया, करेक्ट है ना. और उसमें आपका सीन था जिसमें आप सलमान को ही झापड़ मार जी और मुझे याद है सलमान ने प्रैंक किया था और उसने बोला था कि थोड़ा सा भी लगा ना इंदिरा तुम देख लेना मैं क्या कर लूंगा, हंगामा मचा दूंगा. अच्छा। और मैं इतनी डर गई थी, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे जब मुझे थप्पड़ मारना था.
बट सच अ लविंग पर्सन, इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे, बहुत कंफर्टेबली मैंने काम किया उनके साथ, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये सलमान खान, उनका ऑरा ही बिल्कुल अलग है। मीडिया वालों ने बहुत, मतलब उनका कुछ ना कुछ होता ही है, बट एज अ पर्सन प्रैंकस्टर है और बहुत अपने आप, थोड़े से कभी क्या हो जाता है, देखिए हर एक एक्टर जब सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सराउंड हो जाता है बहुत सारे चीज़ों से, रिलेशनशिप्स में, मीडिया वालों से, सो उसको वो बैलेंस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, प्लस हिज करियर इज ऑल्सो देर, सो आई फील सलमान इज वॉन्ट्स टू बी वेरी क्लियर कि भाई मुझे कोई सामने नहीं चाहिए तो उसको नहीं चाहिए, और अगर कोई चाहिए तो यू नो थोड़ा वो प्रैंकिंग भी करता है, सामने वाला कैसा लेता है क्या होता है वो भी नहीं, ऑल्सो ही इज अ पर्सन ही विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस, सो वो बहुत क्लियर है अपने बिहेवियर वाइज, और बहुत स्मूथली काम किया तेरे नाम में, मुझे याद है कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी या कोई भी इंसिडेंस जिस तरह के से निकला था, डिस्टर्ब्ड तो थे थोड़े बहुत बिकॉज ऑफ द रिलेशन ही वेंट थ्रू, बट दैट नेवर शोड इन हिज वर्क, काम के मामले में बहुत बढ़िया काम, शायद वो जो रिलेशन उनका तब हुआ था, इट हेल्प्ड इन तेरे नाम उनके परफॉर्मेंस में, राइट राइट। सलमान खान की एक इमेज है ना कि भाई एरोगेंट हैं, बहुत ज्यादा लूज टेंपर रहता है उनका और बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है ये एक वैसे इंसान के तौर पे हैं, होता ना फैमिली में एक बच्चा होता है जिसके साथ सबका प्यार भी होता है, बदमाश भी है, बिल्कुल वैसे ही है वो, बिल्कुल वैसे ही है, बट वही है मीडिया वाले, यू नो टुडे आई थिंक एक्टर्स की जिंदगी मीडिया वाले ज्यादातर डिसाइड करते हैं कि क्या, लेकिन आजकल एक्टर्स भी वो हो गए, बोलते नहीं यार मत करो ये सब, सो आई फील एक प्रिवेसी भी होती है एक्टरों के लिए, तो विच सलमान और जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, आप रणबीर कपूर को देखिए तो वो एक प्रिवेसी, वो एक दायरा, जब दायरे से निकल जाते तो वहाँ पर थोड़ा मैस हो जाता है। सतीश कौशिक जी अपने आप में एक बहुत ग्रेट एक्टर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है व्हाट अ लॉस हमारी इंडस्ट्री में, हम शायद उनका पूरा पोटेंशियल एज एन एक्टर तो यूज भी नहीं कर पाए, बट एज ए डायरेक्टर उनकी वो फिल्म थी पहली, बिल्कुल ना, और उसमें उन्होंने डायरेक्ट किया आपको, क्या क्या बातें थी उनकी खास, खाना बहुत पसंद था हमेशा मैं आती थी तो बोलते थे इंदिरा क्या लेकर आई है, जब हम लोग बॉम्बे में, बाकी तो हम लोगों ने हैदराबाद में, बहुत मोटिवेट करते थे एक्टरों को, आप जानते हो रवि किशन भी था उस फिल्म में, रवि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी रवि फ़ोन करता है और मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे पति के बहुत करीब दोस्त है वो, और मैं बहुत खुश हूँ कि रवि कहाँ से कहाँ आज यू नो निकल गया, और आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे रवि बात करता था पहले, सो हम लोग सब वहीं से निकले, यू नो दैट एक बॉन्डिंग हुई है। सतीश जी हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे, कहते थे कि तुम कितनी, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, आई वांटेड टू डू फिल्म्स, आई वांटेड टू डू फिल्म्स, बट तब का यू नो एक इरा था जहाँ पर सिर्फ स्टार्स के चलते थे, सो आई नेवर आई वाज, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अनलकी थी, लेकिन मैं शायद वो डेस्टिन नहीं थी कि आगे और मैं फिल्में करूँ, और मैं, मुझे वो कैटेगरी क्या था यू नो, तब मैं बहुत यंग भी थी ना, मदर कैटेगरी में फिट हुई ना, भाभी के रोल्स तो बहुत कम हुआ करते थे, अभी तो है ही नहीं, सो आई वांटेड, आई वाज लुकिंग फॉर अ कैटेगरी की क्या कैटेगरी विच टेलीविजन गेमिंग, तो टेलीविजन में मैंने जितना मैंने एक्सप्लोर किया है शायद ही किसी एक्टर ने किया है इस एज में, यू नो इस एज में भी सेंट्रल कैरेक्टर्स मिलना और एक शो को चलाना, इट इज अ बिग टास्क चैलेंज, आजकल तो सब टीआरपी के ऊपर ही गेम है। एक शो था आपका जो मेरा बड़ा फेवरेट था, कृष्णा बेन खाकरा वाला है ना, उसमें जो आपका करेक्टराइजेशन था बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब पहले ही होता है कि भाई घर की महिला है तो घर की ही समस्याओं में उसको सब करना होता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें उसका बिल्कुल अलग था, जैसे एक बहुत साल पहले बासु चटर्जी का आया था रजनी जी, राइट, बिल्कुल वैसे ही था ना, तो काइंड ऑफ दैट, यस, तो ये शो कैसा रहा और क्या एक्सपीरियंस, व्हाट एन एक्सपीरियंस, 10 में मेरी माँ गुजर गई थी और 3 महीने में मुझे एक ऑडिशन का फ़ोन आया था आसिद जी के ऑफिस से, और मैंने कहा मैं निकलूंगी नहीं कहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती, बिकॉज आई वॉज सो डिप्रेस्ड आफ्टर आई लॉस्ट माई मदर। वापस आसिद जी का खुद का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि इंदिरा मैंने ना तेरा फोटोग्राफ मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, मैंने काम देखा है तेरा, लेकिन मुझे एक ऑडिशन चाहिए, बहुत बढ़िया रोल है, तो माय हस्बैंड एनकरेज मी एट दैट टाइम, ही सेड तुम ऐसे ही बैठी रहोगी डिप्रेस रहोगी तो तुम जाओ बाहर निकलो मिलो। जब मैं गई फर्स्ट टाइम, संजय छेल और आसिद जी से बैठे थे ऑफिस में, और फर्स्ट टाइम मैं दोनों से मिली, एंड आसिद वाज
जस्ट किक्ड, ही सेड मुझे यही औरत चाहिए बिकॉज दिस इज कृष्णा बेन. सो एक इमेज जो उनके माइंड में थी कि मुझे कृष्णा बेन ऐसे ही चाहिए, उसमें मैं 100% पास हो गई. लेकिन आसिफ जी के बहुत सारे गुजराती फ्रेंड दोस्त भी हैं जिन्होंने वापस कहा कि क्या हमारे गुजराती एक्टर्स नहीं है, सर्कल ही वही है कि तुमको एक साउथ इंडियन लेके तुम्हें कृष्णा बेन बनाना है. बहुत सारे बड़े एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उनके लिए वो टास्क था कि एक साउथ इंडियन को यू नो गुजराती रोल कराना, एंड वो भी एक गुजू स्टाइल में, वो भी ऑथेंटिक, वो भी खाकरा जो बनाती है. सो बहुत बढ़िया वो ऑडिशन रहा मेरे लिए. काफ़ी नॉन नामचिन एक्टर्स शॉर्टलिस्ट हुए थे उसके लिए, और नगमा जी शॉर्टलिस्ट हुई थी, मुझे याद है पद्मिनी कोल्हापुरी शॉर्टलिस्ट हुई थी, साक्षी तन्वर शॉर्टलिस्ट हुई थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम. तो मैंने कहा मुझे कहा मैं शायद लास्ट थी. या शी वाज आल्सो एक और कॉमन फैक्टर, मैं जहां तक मैं सही जानता हूं रजनी में जो पहली कास्ट हुई थी वो पद्मिनी कोल्हापुरी हुई थी. अच्छा. और उनको फिल्म मिल गई थी, ये मेरे को बासु चटर्जी जी ने बताया था. अच्छा. उसके बाद उन्होंने उसको रिकास्ट किया था. हाँ, तो ये भी कॉमन है कि इसमें भी कॉमन है या पॉसिबल. तो मुझे लगा इतने बड़े एंड दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स जितने भी शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो मैंने कहा अगर वो लिस्ट देखा जाए तो मैं शायद लास्ट कैटेगरी में मैं आऊं, नॉट एज एन एक्टर. लेकिन एक होता है ना आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका क्रेडिबिलिटी, कितना काम किया आपने. बट फाइनली मैं सेलेक्ट हुई. अब टास्क रहा कि आप कृष्णा बेन को कैसे बनाओगे. तो संजय छेल के डायलॉग्स राइटिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आसिफ जी का जो विजुअल था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. दैट मैन रियली नोज कि यू नो आजकल बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में है, लेकिन व्हाट आई इंटरेक्टेड विद दैट मैन वाज कि वो जब शो बनाता है ना उसको पता है कि क्या केटर करना है ऑडियंस को, उसको क्या चाहिए, ही नोज एग्जैक्टली दैट. एंड आसिफ जी को यही चाहिए था कि कृष्णा बेन किस तरीके से हम इसे एक सोशल मैसेज के रूप में हम लोग सोसाइटी में दिखाए. तो मुझे लेके गए थे गुजरात, अहमदाबाद लेके गए थे. वहाँ पर हम लोग अहमदाबाद में इंडस्ट्रीज देखे, खाकरा बनाने के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने देखा. एक ट्रिप किया मैंने आसिफ जी के साथ, तो वहाँ पर लोग कैसे नीचे बैठ के खाकरा बनाते हैं वो सब मैंने सर्वे किया. मैं लिखती थी डायरी में कि यू नो किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज हुआ करता था. मेरे घर में एक मासी है, मतलब मेरी माँ की बहन है विमला, तो उनको उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज था, जो एक एक यू नो एक मैं क्या बोलूँ एक एनर्जी उनमें जो थी, वो मैंने पकड़ लिया एज अ फॉर कृष्णा बेन. वो हमेशा जब मैं उनके घर भी जाती हूँ तो वो पूछती है कि मैं जब कहती हूँ कि चाय चाहिए, वो दो वर्ड्स के पहले ही चाय बन जाती थी. और यू नो शी इज टू बी सो एनर्जेटिक, मतलब कभी मैंने उनको आज तक आई हैव नेवर सीन हर सिटिंग लो विथ एनर्जी. वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही थी, लेकिन मेरी माँ से ज़्यादा एनर्जी था है उनमें. तो वो मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज लिया एनर्जी के लिए, किस तरीके से कृष्णा बेन सब फटाफट कर लेती है और फिर अपने बिजनेस पे भी फोकस करती है. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने गुजराती प्लेस दो तीन देखे, मैंने गुजराती फिल्म्स देखी थोड़ा टोन देखने के लिए, कैसे बात करते हैं, कैसे इनका लैंग्वेज है, कैसा बॉडी स्किल है. आप अगर देखेंगे तो गुजराती इसका यू नो एक खड़े रहने का भी स्टाइल एक कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा कुछ वो एक टिपिकल उनका रहता है, किस तरह से वो खाते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं. तो वो सब मैंने ले लिया एंड आई फाइनली गॉट इट इन कृष्णा बेन, यू नो. सो जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी था, लोगों को ऑडियंस लव्ड द एनर्जी एंड द बॉडी लैंग्वेज, उसमें ही मैंने सोशल हम लोगों ने बहुत उठाया, यू नो. अब मुझे लगता है कि कोविड के बाद कृष्णा बेन 2 आना चाहिए था, बिकॉज हम लोगों ने ब्राइबरी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, फॉल्स एग्जामिनेशंस के ऊपर जो यूथ आजकल बैटल कर रहे हैं, मोलेस्टेशन के ऊपर, आपका गैस सिलेंडर में जो बीएमसी के ऊपर, हम लोगों ने इतना नेचुरल हम लोगों ने सब्जेक्ट्स बनाए, ज्वेलरी में फेक ज्वेलरी कैसे ज्यादा बढ़ा कर बेचते हैं वो भी हम लोगों ने किया. तो बेसिक जो इंडिया में जो लोग आम या
रेलवे स्टेशन पे आपका भीड़, उसके ऊपर भी किया हम लोगों ने, पानी की कटौती उस पर भी किया, पानी को कैसे सेव किया जाता है उस पे भी किया, तो बहुत सारे जंक फूड के ऊपर किया, बच्चे आजकल जंक फूड खाते हैं उसके ऊपर भी किया। उनमें से एक बेटा मेरा किसी और के लिए एग्जाम जाके लिखना और सर्टिफिकेट लेना, उस पर भी हम लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल का हम लोगों ने एक पूरा किया। बस ब्यूटिफुल स्टोरीज, ब्यूटिफुल। जो आसिफ मुझे की बात की तो मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि एक तरफ पूरा भी मीडिया एक एक आर्टिस्ट के साथ मिलके वो बता रहा है कि भाई वो कैसे हैं और एक पूरी एक इमेज बनी, बिल्कुल। लेकिन आपने काम किया और आप जो बता रही हो बिल्कुल अलग है, विपरीत है, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसे अलग हो गया एकदम? देखिए, मैंने जब उनके साथ शो किया, मैंने 2010 में मैंने शो किया, एंड आज भी मैं आसिफ जी को कभी मैं मैसेज करती हूँ, कभी कोई हैप्पी दिवाली हो या कोई फंक्शन मेरे घर पे गणपति हो तो मैं इनवाइट करती हूँ उनको ज़रूर। तो ये जहाँ बात है, मुझे लगता है कि वन टू वन ये पर्सनल एक वो है कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और उनका रिश्ता जो मेरे साथ था ना, बहुत प्रोफेशनल वो रखते थे मेरे साथ। मैं उनके साथ बाहर भी गई हूँ, मैं अहमदाबाद गई हूँ, भावनगर गई हूँ, गांधीनगर गई हूँ, बहुत सारी जगह गई हूँ उनके साथ। और ऐसा नहीं कि मैं, मतलब टीम के साथ हम लोग जाते थे, कभी अकेली भी मैं अहमदाबाद गई हूँ उनके साथ। मेरे साथ कभी आज तक, आई डोंट वॉन्ट टू डी फेम एनी बडी, बट बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। मतलब मुझे नहीं, मुझे पता नहीं कि तारक में इतना कंट्रोवर्शियल कितने एक्टरों के साथ ऐसा हुआ, तो ये मेरे लिए काफी शॉकिंग सरप्राइजिंग है, हो रहा है ना एकदम। या एकदम से कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर उस सब्जेक्ट से हम लोग हट भी जाएं, ये बाकी आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा रहेगा समझना, कि कई बार जब एक एक्टर लगातार काम करता है, वो शो भी हिट होने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये एक फील भी आता है कि मेरी वजह से, करेक्ट, और मैं अपनी इम्पोर्टेंस और अप्रिसिएशन और रेमुनरेशन सब ज्यादा उम्मीद करने लगा। बिल्कुल, क्या ये भी फैक्टर हो सकता है? ऐसे आर्टिस्ट भी है, मैं मना नहीं करूंगी कि नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी है जहां पर, मैं शो का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन एक आध आर्टिस्ट थी मेरे शो में भी, कुछ पिछले शोज जो मैंने किए थे, वो 6 महीने में बोलते थे भाई मेरे पैसे बढ़ाओ वरना मैं शो छोड़ दूंगी, या मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, या डिलेड आते थे कभी सेट पे, लेट आते थे, तू तड़ाक से बात करते थे, रिहर्सल भी नहीं करते थे। सो आई थिंक ऐसे वाले एक्टर्स भी है, लेकिन ये एक्टर्स खत्म हो जाते हैं इधर, मतलब उनके कंसिस्टेंसी, अब देखिए मुझे तो ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए, तो एक कंसिस्टेंसी एक एटीट्यूड की वजह से भी है ना, सिर्फ एक अच्छे एक्टर हो, लेकिन आप एक्टर तब अच्छे बनोगे जब आप अच्छे ह्यूमन हो। उनका एक एग्जाम्पल मैं रणबीर कपूर को देना चाहूंगी अपने ऑडियंस को, कि इतना सुलझा हुआ लड़का जो एक बहुत बेहतरीन एक्टर के साथ भी आम आदमी के साथ जुड़ता है वो इंसान, यू नो, उसने ऐसा कभी मतलब मैंने नहीं देखा है किसी से तू तड़ाक से बात करते हुए। जितना रिस्पेक्ट आई थिंक मुझे रणबीर कपूर ने दिया, शायद ही किसी ने इस इंडस्ट्री में मुझे दिया। या जबकि आप देखा जाए तो सबसे बड़ी फिल्मी फैमिली तो नहीं की, सुपरस्टार्स हैं उनके, बिल्कुल सबको ही हैं, उनकी एक लेगेसी है अलग ही। रणबीर में जब भी आए हैं वो स्क्रीन पे, तो उनकी एक्टिंग को लेकर एक अलग बात हुई, इंटेंस एक्टिंग है, बिल्कुल अलग एक्टिंग है। और अभी जब से ये एनिमल आई उनकी फिल्म, तब तो बिल्कुल ही अलग हो गया मामला। बिल्कुल, एनिमल फिल्म आपके लिए कितनी अलग है? बहुत ही अलग है मुझे एक्चुअली। जब ये एक जोक है, जब फर्स्ट टाइम टी सीरीज वालों ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि मैम हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, आप प्लीज ऑफिस में आइए। तो मुझे लगा होगा कोई कमर्शियल फिल्म, टी सीरीज इज अ कमर्शियल कंपनी। तो मैं अगले दिन गई ऑफिस में, उन्होंने बोला हम एक फिल्म बना रहे हैं, संदीप रेड्डी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है, फिल्म का नाम है एनिमल। तो मुझे नहीं पता था कि है, तो मैंने कहा अच्छा कोई जानवर को लेकर फिल्म बना रहे। बोला नहीं 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 मैम, ये कोई जानवर नहीं है, इसमें बहुत कम कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आपके सिर्फ 3 या 4 सीन ही हैं और आप रश्मिका की मदर का रोल कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे वो नो प्रॉब्लम। मुझे संदीप का एक बहुत अच्छा लगा, आदमी बहुत क्लियर है, इतने रोल है, इतना रोल है आपका, इतने सीन्स हैं आपके और ये दिखेंगे, मैं ये सीन्स को एडिट नहीं करूँगा। उस आदमी ने जो बोला वही हुआ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो गेट अलोंग भी नहीं करते हैं उनको कभी, जैसे जब फिल्म रिलीज हुई थी उन्होंने बोला कि अरे वुमेन को इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया वो एक सीन को लेकर, राइट, उस पे वो भी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक डायरेक्टर को, एक एक्टर एक डायरेक्टर के साथ काम करता है या करती है, तो वो एक कैरेक्टर को पकड़ कर करती है, यू नो, अगर आपको वो अच्छा दिखाना है या वायलेंट दिखाना है या ग्रजफुल दिखाना है, तो वो उस डायरेक्टर का एक विजुअल सेंस है।
तो मुझे लगता है जैसे आप संजय लीला बंसाली को देखो, उनका एक विजुअल सेंस है, वो बहुत वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाते हैं, तो आई थिंक वो हर एक एक यू नो डिफरेंट है. संदीप रेड्डी मेरे लिए इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो रॉनेस बहुत लेकर आते हैं. उनका बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं एक्टर्स को, जिस तरीके से यू नो एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करते, एक बहुत एक स्लाइट एसेंट्रिक यू नो ही कीप्स दैट ह्यूमर एसेंट्रिक एवरीथिंग, वो एसेंस है. और जब आप फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो गई तो लोग उसको डीमोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई ये दिखा के हिट हो गया, वो दिखा के हिट हो गया. बट आई थिंक ऑडियंस इज यू नो उनका भी एक रिस्पेक्ट रखना चाहिए बिकॉज ऑडियंस ही लाइक और डिसलाइक करती है. सो आई थिंक ये सबके ऊपर, लाइक डिसलाइक के ऊपर ही चलती है फिल्म्स आजकल. अभी ये भी जो हो रहा है कि जैसे पहले होता था हिंदी सिनेमा अलग है, साउथ का सिनेमा अलग है, ये बिल्कुल सेपरेट चलते थे, लेकिन अब जैसे हम लोग मिलजुल के काम करने लगे, इसको आप कैसे देखते हो? बहुत अच्छा. इनफैक्ट मुझे लगता है फाइनेंशियली ऑल्सो ना कमर्शियली फिल्म्स के लिए एक बहुत फायदा होता है. आजकल प्रोड्यूसर जब भी कास्ट करते हैं, स्पेशली मेन आपके जो कास्ट करते, तो फर्स्ट दे सी कि कमर्शियली इसका वैल्यू क्या है. अभी आप देखिए स्त्री टू, व्हाट अ सिंपल पहला सब्जेक्ट, बट कमर्शियली इट वेंट अ हिट बिकॉज, या फिर आपका स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग हो. जैसे आप आजकल वो लापता लेडीज भी एक फिल्म आई थी, स्क्रिप्ट कितना स्ट्रांग था, तो उसमें आप एक्टर्स देखिए इतने नामचीन वाले नहीं, लेकिन रवि किशन ने कितना बेहतरीन काम किया उसमें, वो लड़की ने कितना सुंदर काम किया है. तो आई फील आपका स्क्रिप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. आई थिंक संदीप रेड्डी अभी न्यू कमर्स के साथ भी फिल्म बनाएगा ना तो भी हिट जाएगी बिकॉज ही हैज स्ट्रांग विजुअल, स्ट्रांग स्क्रिप्ट्स है उनके पास, उनको एक पता है उनका वो, और उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा नाम बना लिया, तो आई थिंक सब लोग जाएंगे उनके साथ काम करने के लिए. अगर आपको एक ही वक्त में सेलेक्ट करना हो कि एनिमल जैसी एक फिल्म आ रही है या स्त्री जैसी है, लापता लेडीज, तो आप किसको चुनोगे? लापता लेडीज, बिकॉज फॉर मी आई फील दैट वाज अ ब्यूटीफुल वुमन इज यू नो सेंट्रिक फिल्म और बहुत ही मतलब आम आदमी से जुड़ने वाला फिल्म है. मैं एक्चुअली मैंने ऐसा कभी काम किया नहीं, लेकिन मैं बहुत मतलब वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस यू नो लाइक एक नेचुरल सब्जेक्ट. तो ऑडियंस बात करती है एक्टर की, और आप जैसे अच्छे एक्टर बात करते हैं डायरेक्टर की. जी, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? डायरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक वही तो कैप्टन ऑफ द शिप, तो वही है. अगर कुछ भी गलत तो सब कुछ गलत. बट मैं ये इतना कहूँगी कि यस, ऐसा भी होता है कि कई कई बार फिल्म आप करते हो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ और बहुत बड़े एक्टर के साथ, लेकिन वो आउटकम वैसा आता नहीं है. तो दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ आपको पता नहीं क्या कौन सा जॉनर कब चलता है. मुंजिया जैसे फिल्म चला, एक हॉरर का अभी एक ट्रेंड हो गया है, तो एक हॉरर जॉनर. तुम्बाड़ वापस रिलीज हुआ है, तो एक हॉरर एक जॉनर है. आप तुम्बाड़ भी देखो ना, बहुत वेल मेड फिल्म है. मतलब वैसा नहीं कि एक जमाने में रामसे देखिए कितने हिट थे, अब आप रामसे फिल्म देखोगे तो आप हंसोगे. सो टेक्निकली वी हैव ग्रोन, इवन इतना स्किल आ गया ना मार्केट में कि नए कमर्स भी बहुत आ रहे हैं. एक श्रीराम राघवन हैड अ टाइप ऑफ फिल्म, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अंधाधुन. सो क्या फिल्म बनाई थी उन्होंने, स्क्रिप्टिंग उनका. तो आई फील इट इज ऑल योर स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट बहुत अच्छा रहना जरूरी है एक डायरेक्टर के लिए. तो डायरेक्टर को उस विजुअली उसको लेकर आना मतलब रियलिटी में आसान हो जाता है. एक और चीज की आपने जब की थी तेरे नाम, तो उसमें जब करेक्टर था सलमान खान का, वो भी बड़ा ही हार्श करेक्टर था, बड़ा वैसा वो उस जमाने का एनिमल था. तो वो उस जमाने का एनिमल था और इस जमाने का एनिमल, दोनों एनिमल को कैसे देखते हो आप, ये जो एक एरा के बाद आया है? बहुत डिफरेंट. तब के जमाने में इतना वायलेंस नहीं था, इतना गौरी नहीं था, और अब वायलेंस एंड गौरी इज इंट्रोड्यूस सो मच, क्योंकि ऑडियंस रियलिटी इतना देख देख के ना इतना रियल पे आ गए हम लोग अभी. आप हाल ही में मैंने एक सुना था कोई फिल्म किल, और उसमें भी बहुत गोरीनेस. तो मुझे लगता है आजकल एक्शन बेस्ड फिल्म्स आर गॉट मोर गोरी, किलिंग रहो या कुछ. आप सीरियल्स में भी देखो, एक सास बहु फ्लैमिंगो एक सीरियल आई थी, उसमें भी कितना गोरी किलिंग्स वगैरह है. तो कितना ज्यादा एक्सपोजर हो गया अभी उसको लेकर. तो आई फील तेरे नाम उस जमाने के लिए, हम लोग करीबन 18-19 पहले साल के पहले की बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ही इमेजिन द अमाउंट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्वड और
किस तरह से कैरेक्टर प्रेजेंटेशन, बट उस जमाने के लिए आई वुड से एनिमल वॉज तेरे नाम. एंड सलमान, अगर मुझे लगता है अब इस एज में रहता तो सलमान वुड बी द चॉइस फॉर एनिमल. मुझे ऐसे ही लगता है. थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू, धन्यवाद. तो मेरे साथ थी इंदिरा कृष्ण जी. देखिए, आप देख रहे होते हैं एक्टर को, एक्टर देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है एक अच्छे राइटर को, अच्छी स्क्रिप्ट को और अच्छे डायरेक्टर को, क्योंकि उसकी खोज वहीं से पूरी होती है और तभी वो आपके पास तक पहुंच पाता है. आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ. तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है. इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है.